तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का 128वां व्यास पूजा महामहोत्सव मनाया गया। तो श्रील प्रभुपाद ने जो अद्वितीय कार्य किया है इस पूरे संसार के लिए, खास करके हमारे भारत देश के लिए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को न केवल भारत के बाहर बल्कि पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। कृष्ण भक्ति, जिसे लोग जानते नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान श्री राम कौन है, नरसिंह कौन है, आज सारे देश विदेशियों में देखे आप तो सबको पता चल गया है कि हमारे जो भगवान है, पहले लोग उनको चिढ़ाते थे, ये कौन से भगवान है, शेर रूप, ये कौन है हमारे देवी देवता, हाँ, एलिफेंट डॉग, अलग अलग सब, मंकी डॉग, मंकी गॉड, ये लोग जो है पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही लोग हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारे शास्त्रों का मजाक उड़ाते थे, आज वही हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और उनको ये पता चल रहा है कि जो शास्त्र है हमारे वो प्रामाणिक हैं, ये कोई झूठ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने कम से कम 100 पुस्तकों की रचना की, और दिन रात अथाह परिश्रम करने के बाद उन्होंने पुस्तकों का पूरा वितरण किया। और आज भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट सबसे बड़ा जो है पब्लिकेशंस बना हुआ है स्पिरिचुअल बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, पब्लिश करने में। और इस कार्य को करने के लिए प्रभुपाद 70 वर्ष की अवस्था में अमेरिका गए। ऐसा अद्वितीय कार्य उन्होंने किया कि 70 वर्ष की आयु में कोई सोच भी नहीं सकता कि वह अपने घर से कहीं बाहर निकले। पर प्रभुपाद जी ने जलदूत, समुद्र के मार्ग से उन्होंने जो है विदेश की यात्रा की। हालांकि उनको जो है 2 बार हार्ट अटैक भी आए, लेकिन फिर भी भगवान पर आश्रित रहते हुए वो पहुंचे, और बहुत घोर संघर्ष किया उन्होंने। वहां पर कौन सुनेगा, भारत देश में स्थिति ऐसी है कि भगवान के बारे में अब लोग सुनना नहीं चाहते, लोग नास्तिक बन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा कोई नहीं सुनना चाहता, भगवान के बारे में कोई पढ़ना नहीं चाहता। आप देखिए, सुबह सुबह व्यक्ति न्यूज़पेपर लेकर घंटों घंटों जो है उसके बारे में वो पढ़ता रहेगा, लेकिन उसको यदि कहा जाए कि आप एक श्लोक भगवद गीता का पढ़िए, एक श्लोक भागवतम का पढ़िए, उससे पढ़ा नहीं जाएगा। तो 50 वर्ष पहले क्या स्थिति होगी विश्व की या विदेशों में, वो हमारे साहित्य को कैसे पढ़ेंगे, रामायण महाभारत भगवद गीता को इत्यादि को कैसे पढ़ेंगे वो। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी अहेतु की कृपा के माध्यम से मलिक्षों को, जो गौ मांस खाते थे, 4 प्रकार के पाप करते थे, मांसाहार करते थे, पर स्त्री संबंध रखते थे, जुआ खेलते थे, नशा करते थे, ऐसे लोगों को शुद्ध भक्त बना दिया प्रभुपाद जी ने। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने न केवल भक्तों का उद्धार किया, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की जो है वाणी है, उसका संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। आज श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण विश्व में भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप के रूप में जाना जाता है। और प्रभुपाद जी ने ऐसी टीका लिखी कि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ के बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि उसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से न केवल प्रभुपाद जी ने प्रचार ही किया, बल्कि लोगों को भक्ति भी प्रदान की। आज जो भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ता है, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो भक्त बन जाता है। जो भी कोई भक्त बन रहा है वो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से ही बन रहा है। और प्रभुपाद जी की यही इच्छा है कि आने वाले समय में प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पूर्ण रूप से लोग अध्ययन करें और लोगों को वितरित करें। तो ये प्रभुपाद जी का जो अथक प्रयास है, हमें उनके ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने अपने हिंद
भारतीय संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को संपूर्ण विश्व में प्रचार ही प्रसार नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने भारत देश का नाम भी ऊंचा किया। तो भारत भूमि में जन्म लेने के लिए हमको बहुत ही अपने आप को ऋणी मानना चाहिए, और प्रभुपाद जी के लिए भी हमको बहुत ही ऋणी होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमारे संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जो किया है वह कोई भविष्य में कर नहीं सकता। हरे कृष्णा।